दोस्तों फाइनली तारक मेहता वालों ने ये बात बता दी है कि पिछले साल जो हमारे सुंदरलाल आए थे, जब हमारे जेठालाल ने उनसे पूछा था कि दया भाभी कब आ रही है और अगर दया भाभी दिवाली तक नहीं आएंगी तो वो अन्य जल का त्याग कर देंगे, तो ये जो बात है ना ये फाइनली तारक मेहता के मेकर्स को सुझाई दी और उन्होंने इस बात का जवाब दे दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तारक मेहता के जो मेकर्स है ना वो इस बात को भूल ही गया है कि जो हमारे जेठालाल है उन्होंने प्रण ले रखा है और उन्होंने इस बात को गायब भी कर दिया था। दिवाली भी चली गई थी, फिर हमारा होली भी आ गया था, तो वो सब भूल ही गए थे। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जो हमारे अय्यर भाई है वो जेठालाल से पूछते हैं कि दया भाभी कब आएंगी और तुमने बोला था कि तुम प्रतिज्ञा ले रहे हो कि मतलब अगर दया भाभी दिवाली तक नहीं आती है तो तुम अन्य दयाल का त्याग कर दोगे। तो उसके बाद जो हमारे जेठालाल है वो पूरी कहानी बताते हैं। जेठालाल ये बताते हैं कि वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहे थे, वो खाना पीना छोड़ दे रहे थे, लेकिन फिर वहाँ पे बापू जी बीच में आ गए, उन्होंने भी प्रतिज्ञा ले ली, इसलिए मुझे अपना प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ा। लेकिन दोस्तों आपने इस सीन में देखा होगा कि ये जो सीन शूटिंग हुई है ना ये हमारे नए टप्पू के साथ हुई है और पिछले साल हमारे पुराने टप्पू हुआ करते थे जब ये प्रण लिया गया था। तो मुझे लगता है कि जो हमारे तारक मेहता के शो के मेकर्स है उनको ऐसा लगा था कि जो ऑडियंस है ये सब बातें भूल जाएगी, इसीलिए उन्होंने इस बात का क्लेरिफिकेशन दे दिया है यहाँ पे। क्योंकि इंटरनेट पे मेरे वीडियोस और भी बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियो चलते रहते थे कि दया भाभी कहाँ गई, उनको दिवाली तक आ जाना चाहिए था क्योंकि जो हमारे जेठालाल ने प्रतिज्ञा लिया है। तो ये सारी चीजें जो तारक मेहता के मेकर्स है उनको लगा कि ऑडियंस भूल चुकी है, लेकिन ऑडियंस नहीं भूली थी और फाइनली जो तारक मेहता के मेकर्स है उनको इस चीज का जवाब देना पड़ गया। और दोस्तों तारक मेहता के लेटेस्ट एपिसोड में मैंने देखा कि दया भाभी के ऊपर बहुत ज्यादा बातें हो रही है, उनको बहुत ज्यादा याद किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है कि जो हमारी दया बहन है यानी कि दिशा वकानी अब उनकी एंट्री हो जाए। और हम देखते हैं कि लेटेस्ट एपिसोड में सुंदरलाल भी आने वाले हैं, सुंदरलाल की भी एंट्री होने वाली है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि जो हमारी दया भाभी है उनके बारे में हमें न्यूज मिलने वाला है कि आखिर वो कब आएंगी एग्जैक्टली। हम ये भी देखते हैं कि हमारे चंपा चाचा जी वो ये सोच रहे होते हैं कि अगर दया भाभी जल्दी नहीं आई तो हम लोग उनको अहमदाबाद जाके लेके आएंगे। तो जो दया भाभी का जो आने का कमबैक स्टोरी है ना वो अब बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप में से कितने लोग खुश हैं कि दया भाभी आने वाली है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।